हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज हम सॉल्व करेंगे TCS का IPA का क्वेश्चन, जो कि होटल मैनेजमेंट नाम है इस क्वेश्चन का, और ये 20 जनवरी को आया था। तो क्वेश्चन है, क्रिएट अ क्लास होटल विद ब्लू एट्रीब्यूट्स। हमें एक क्लास क्रिएट करनी है जिसका नेम है होटल, और इसमें 5 एट्रीब्यूट्स हैं। जो पहला है वो है होटल की आईडी है, फिर होटल का नेम है जो स्ट्रिंग में है, क्या होटल की क्या फैसिलिटी है जो भी स्ट्रिंग में है, होटल की रेटिंग जो इंटीजर में है, और होटल की फीस है जो कि इंटीजर में है। हमें एक गेटर्स एंड सेटर्स लिखने हैं और पैरामीटर कंस्ट्रक्टर लिखना है जो कि रिक्वायर है। तो हमें क्या करना है, क्रिएट अ क्लास सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन क्लास बनानी है, और उसमें मेन मेथड लिखनी है, और उसमें एक स्टैटिक मेथड हमें इम्प्लीमेंट करनी है, होटल बाय हाईएस्ट रेटिंग। ठीक है, तो पहली मेथड जो है होटल बाय हाईएस्ट रेटिंग। इन दिस मेथड टू इनपुट्स आर टेकन। तो दो इनपुट रहेंगे, पहला है होटल एरे ऑफ होटल ऑब्जेक्ट्स, एंड सेकंड इज स्ट्रिंग इनपुट विच इज कैप फैसिलिटी ऑफ होटल। इफ इट इज ग्रेटर देन 5 एंड कैप फैसिलिटी इज अवेलेबल, देन द आउटपुट then the output is the highest rating. If it is not greater than 5, then it should be 0. So condition 1 जो है, अगर हमारी होटल की रेटिंग 5 है, below 5 है, तो वो 0 प्रिंट करेगा, और no hotel with given facility हमारा आउटपुट रहेगा। एंड इफ होटल होटल रेटिंग इज ग्रेटर देन 5 एंड कैप फैसिलिटी इज यस, देन हमें क्या करना है, होटल की रेटिंग प्रिंट करनी है। तो हमें क्या है, टेक 4 होटल ऑब्जेक्ट्स एंड 1 स्ट्रिंग इनपुट लेना है जो कि होगा कैप फैसिलिटी। ओके, तो हमारा पहला इनपुट है, उसके लिए हमारा 50,000 आना चाहिए, एंड सेकेंड इनपुट जो है हमारा, उसके लिए हमारा आउटपुट जो है वो आना चाहिए, नो होटल विद गिवन फैसिलिटी आना चाहिए। तो यहाँ पर एक केस रह गया था, ये यहाँ पर इनपुट था। यस, तो चलिए ये कोड राइट करते हैं इंटेलीजे में। तो एज सच मैंने सॉल्यूशन क्लास बना ली है। अब हमें एक और क्लास बनानी है जिसका नाम होगा होटल, और इसमें कुछ एट्रीब्यूट्स रहेंगे जो कि रहेगा इंट होटल आईडी, नेक्स्ट रहेगा स्ट्रिंग होटल नेम, थर्ड देखते हैं क्या था, थर्ड है स्ट्रिंग होटल की क्या फैसिलिटी, स्ट्रिंग होटल क्या फैसिलिटी, फोर्थ इंटीजर होटल रेटिंग, फोर्थ इंटीजर होटल फीस लिख रहा हूं मैं। अब हमें यहाँ पर हमें क्रिएट करने हैं, सबसे पहले हमें कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है, तो कंस्ट्रक्टर हमें सारे ही चाहिए, तो मैं ऑल सेलेक्ट करके ओके करता हूँ। ये हमारा कंस्ट्रक्टर आ चुका है, और ये इन पे होटल फीस नीचे चला गया है, तो मैं इसे कंट्रोल एक्स करके यहाँ पर डाल दूंगा। तो ये हमारा बन चुका है। अब हमें गेटर्स एंड सेटर्स भी चाहिए थे, तो मैं यहाँ पर गेटर्स एंड सेटर्स भी जनरेट कर लेता हूँ। ये रहे गेटर्स एंड सेटर्स, हम सारे ही जनरेट कर लेंगे और ओके कर लेंगे। तो ये हमारे गेटर्स एंड सेटर्स भी आ चुके हैं। अब हमें एक ऑब्जेक्ट एरे बनाना है जो कि होगा होटल। तो होटल मैं ARR नाम दूंगा एरे को, न्यू होटल करूंगा, और इसमें साइज दे दूंगा जो कि है 4 एज पर रिक्वायर्ड। मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा जो कि होगा ऑब्वियसली एरे की लेंथ तक। आप 4 भी राइट कर सकते हो क्योंकि एरे की लेंथ 4 है, पर मैं ए डॉट नहीं लगाया, मैंने ARR डॉट डॉट लेंथ। मैं यहाँ पर इनपुट लूंगा, तो पहला इनपुट हमारा होटल आईडी है, तो मैं यहाँ ले लेता हूँ।
हमारा होटल नेम है तो ये स्ट्रिंग टाइप का रहेगा, मैं इसे बी नाम देता हूँ और SC डॉट नेक्स्ट लाइन इनपुट ले रहा हूँ। थर्ड भी हमारा स्ट्रिंग टाइप का है जो कि होटल की कैब फैसिलिटी है, तो स्ट्रिंग सी इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट लाइन से इनपुट ले रहा हूँ मैं। चौथा हमारा इंटीजर टाइप का है, इंट डी इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट भी हमारा इंट टाइप का है, तो SC डॉट नेक्स्ट इंट। अब इन सबको हमें एरे के फर्स्ट आई एरे में जो जीरो एलिमेंट है उसके अंदर पास करेंगे, तो न्यू होटल लिखेंगे और यहाँ पर पास कर देंगे ए बी सी डी ई करके हम पास कर देंगे। तो हमें एक इनपुट और लेना है, तो हम फॉर लूप से बाहर आएंगे और स्ट्रिंग यहाँ पर हम कैब लिख देंगे, कैब फैसी करके मैं एक बना लेता हूँ। तो ये होगा हमारा SC डॉट नेक्स्ट लाइन, और ये मैं आपको लास्ट में इसलिए बता रहा हूँ कि जब भी आपको इंटीजर इनपुट लें तो यहाँ पर SC डॉट नेक्स्ट लाइन ले लें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है स्ट्रिंग जब रीड जब हम इंटीजर रीड करते हैं तो वो स्ट्रिंग लिटरल्स रीड कर लेता है जावा में, तो जहां जहां अगर हम स्ट्रिंग या डबल या फ्लोट के इनपुट लेंगे वहां पर हम एक न्यू लाइन ले लेंगे ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। और अब हम मेथड लिखेंगे जो कि इंटीजर रिटर्न करेगी, तो स्टैटिक इंट एंड होटल का जो भी मेथड थी उसका नाम जो कि है होटल बाय हाईएस्ट रेटिंग कंट्रोल सी, और ये जो है दो इनपुट लेगी, पहला है होटल ऑब्जेक्ट्स का एरे एंड सेकंड स्ट्रिंग जो कि है कैब फैसिलिटी, तो मैं इसको भी कैब ऐसी करके लिख देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे एरे डॉट लेंथ तक और चेक करेंगे कि इफ ARRI डॉट गेट होटल, मैं गेट लिखना चाहता था गेट, यहाँ से हम होटल की कैब फैसिलिटी ले लेंगे और यहाँ पर कंपेयर करेंगे डॉट इक्वल्स डॉट इक्वल्स इग्नोर केस करके, इग्नोर केस करके, और यहाँ पर हम दे देंगे कैब फैसिलिटी की अगर ये इक्वल है एंड एंड जो कि रेटिंग है जो कि हम यहाँ से ले लेंगे ARRI डॉट, तो हमें होटल की रेटिंग चाहिए थी तो देखते हैं हमने क्या पैरामीटर दिया था। ओके तो गेट होटल रेटिंग, ये अगर ये ग्रेटर देन फाइव है हमें इक्वल नहीं करना है, हमें ग्रेटर करना है, तो हम यहाँ पर एक रिटर्न करेंगे ARRI डॉट गेट होटल रेटिंग्स को, और अगर ऐसा नहीं है कहीं भी तो हम यहाँ पर रिटर्न करेंगे जीरो को। तो मैं इफ और इससे बाहर आकर रिटर्न करूंगा जीरो को, तो वेट अ मिनट शायद मैं गलत आ गया हूँ, मुझे यहाँ रिटर्न करना है क्योंकि ये मेरा इफ है, ये मेरी ठीक है, ये स्टैटिक मेथड और ये यहाँ पर मैं इसे रिटर्न कर रहा हूँ। तो हम क्या कर रहे हैं, हम होटल एरे पे इटरेट कर रहे हैं यहाँ से फॉर लूप्स, और हम देख रहे हैं कि अगर किसी भी होटल ऑब्जेक्ट की जो एट होटल कैब फैसिलिटी है अगर वो इक्वल्स होती है कैब फैसिलिटी के, और अगर हमारा जो भी वो वाली होटल थी या फिर होटल ऑब्जेक्ट था अगर उसकी होटल रेटिंग ग्रेटर देन 5 है तो हम क्या कर रहे हैं, उसी होटल रेटिंग्स को रिटर्न कर रहे हैं, अगर अदर देन ऐसा है नहीं तो हम उसे जीरो रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हम यहाँ पर टैकल करेंगे उस केस को क्योंकि ऐसा जो इंटीजर था तो मैं उसे रिजल्ट में स्टोर करता
हूँ एंड ओके, तो ये मुझे कॉपी नहीं करना था, मुझे होटल बाय हाईएस्ट रेटिंग मेथड को हम यहाँ से कॉल करेंगे। और यहाँ पर दो इनपुट जो कि हमारा पहला एरे है और दूसरा हमारा कैब फैसिलिटी है, इसे डालेंगे। अब हम चेक करेंगे कि इफ अगर हमारा रिजल्ट है अगर वो इक्वल इक्वल टू 0 है, हमें क्या करना है, हमें सस आउट करना है कुछ। देखते हैं क्या प्रिंट करना है हमें, नो होटल विथ गिवन फैसिलिटी, तो हमें ये लेना है कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। और अगर ऐसा नहीं है, एल्स अगर वो 0 नहीं है, तो हमें क्या करना है, सस आउट करना है हमें रिजल्ट को। ठीक है, तो मैं इसे रन करता हूँ। ओके, और रन करने से पहले मैं, अब हम इसमें सेकंड इनपुट देंगे जो कि होगा, इसे हम फिर से रन करते हैं। और एंटर करता हूँ, तो नो होटल विद गिवन फैसिलिटी, तो ये क्वेश्चन था। और ये पहले इनपुट के लिए हमारा 7 आउटपुट आ चुका है और सेकंड इनपुट के लिए हमारा नो होटल विद गिवन फैसिलिटी आ चुका है। आप कोई डाउट ना रहे तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, हमारा कोड जो है वो 7 ही प्रिंट कर रहा है। मैं इसे कंट्रोल सी से कॉपी करता हूँ फिर से और इसे रन करता हूँ। और डालता हूँ तो ये देखिए 7 आ रहा है, तो ये क्वेश्चन हो चुका है। अब मैं एक और क्वेश्चन का वीडियो बनाऊंगा, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो, होपफुली गिव प्लीज फीडबैक एंड इफ यू हैव सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग TCS IPA देन प्लीज पुट इन दी कमेंट बॉक्स एंड यू कैन ऑल्सो कमेंट दी क्वेश्चंस यू हैव, आई विल प्रोवाइड दी सॉल्यूशन एज वेल। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। ओके बाय।